और इस मंच के ऊपर इस वक्त आप देख रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री प्रद्युमन सिंह लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बड़ा मलेरा से, और श्रीमती दीप्ति पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, पक्ष रखेंगे अपना अपना। विजेंद्र आपके पास आते हैं, शुरुआत कीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, और बुंदेलखंड जनसंवाद पर तमाम सियासतदान खुलकर अपनी बात इस मंच से रख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस चुनावी साल में सियासतदानों से बातचीत की जाए, आखिर वो जनता के मुद्दों पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अब उन्हें इलेक्शन में जाना है। चंद माह का समय मध्य प्रदेश में चुनावों को बचा हुआ है, और अब बुंदेलखंड के इस जनसंवाद में अगले सत्र में हम बात कर रहे हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी जी से, बड़ा मलहरा से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और साथ ही साथ दीप्ति पांडे जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रद्युम्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और हमने देखा कि दल बदल के बाद दल बदल की जो स्थिति बनी थी, हालांकि आपने जनता का फिर से आशीर्वाद हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में दल बदल को इशू जो है विपक्ष बना रहा है, क्या बुंदेलखंड में ये मुद्दा बन पाएगा, क्योंकि आपके साथ सुर्खी सीट की भी बात की जाए, ये भी प्रमुख मुद्दा बना था। ये जो मुद्दा था जो कांग्रेस ने बनाया था, ये जनता ने ही नकार दिया। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये अपना घर नहीं संभाल पाए, लोग इनके यहाँ से चले गए, ये कोई मुद्दा नहीं, ये उसी समय जनता ने खारिज कर दिया था। अब नए मुद्दे के साथ आना पड़ेगा, और हम भी उसी लिए तैयार भी है। आप तैयार बैठे हुए हैं, दीप्ति पांडे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आप बार बार जो नारा देती हैं उसको जनता ने खारिज कर दिया है, अब कोई नया नारे के साथ आपको चुनाव मैदान में आना होगा, ऐसा प्रद्युम्न जी कह रहे हैं। काम कहना है, और हमारे साथ ही बहुत अच्छे से तैयार होके आए हैं, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है कि अपने झूठ को सच कैसे साबित करना है, तो ये ना बहुत अच्छे से आता है। रही बात कांग्रेसियों की, तो कांग्रेसी मुद्दा क्यों बनाएगी, दल बदल आपने किया है, निश्चित तौर पे मेरे साथी रहे हैं कांग्रेस में, आपने दल बदल किया है तो मुद्दा आपने बनाया है, कांग्रेस की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, आप लोग जो हैं पूरा एक प्री प्लान है अपना दोष दूसरे पे डालने का, ये बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है। रही बात नारों की, तो कांग्रेस को नारों की, मुद्दों की, वायदों की, झूठी घोषणाओं की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कांग्रेस धरातल पे काम करती थी, करती है, करती रहेगी। तो एक नारा तो आप फिर लेके आए हैं ना कि बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक हाफ, और ये नारा लेकर आप आए हैं, तो ये नारा कितना काम करेगा इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे हमने जो भी कहा, हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने, जैसे ही माननीय कमलनाथ जी ने अपना पदभार ग्रहण किया, किसानों की कर्जा माफी पे हस्ताक्षर किए, और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि मेरे घर से भी 50,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ है, और वो प्रमाण पत्र मैंने लिया है, वो चेक मुझे दिया गया है, अखबार ने प्राथमिकता से छापा है। बीजेपी के भी कई ऐसे किसान हैं जिनका कर्जा माफ हुआ है, स्वीकार करने में किस बात की डर। रही बात बिजली बिल, यहाँ जितने हमारे साथी बैठे हैं, कमलनाथ सरकार के बिजली के बिल उठा के देख लें, अगर उनका माफ ना हुआ हो, 100 यूनिट उन्हें वो ना लगी हो, सस्ती ना लगी हो। इस चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो महंगाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मुद्दा खासतौर पर महिलाओं का तो होता ही है, और महिला वोटर्स भी सबके सामने हैं, उनको केंद्र में रखकर योजनाएं भी तमाम लेकर आप आ रहे हैं, क्या कहेंगे कि बिजली की महंगाई वाले, ज़्यादा महंगाई वाले राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है, इस बीच कांग्रेस की ओर से जो नारा दिया गया, बीजेपी कहाँ खड़ी है इसमें? महंगाई यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये नेताओं का नारा है, जनता सब समझदार है, और जनता देख रही है कि हर बार हर दिन क्या नया परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन के साथ जनता चल रही है। जनता का कोई मुद्दा नहीं है, पर नेता मुद्दा बनाते हैं, और इनके मुद्दों पर जनता अपनी राय एक नहीं कर पाती, और ये कितने मुद्दे लेके आएंगे, इनके मुद्दे जनता को पता हैं, क्योंकि हंडी का एक चावल देखा जाता, ये वचन पत्र का बड़ा पिटारा लेके आते कि हमने ये वचन दे दिया, हमने ये वचन दे दिया। रामायण में कहा गया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई, परंतु बचन कब तोड़ देते ये पता ही नहीं चलता। बचन दे देंगे, हम माफ़ करेंगे, बिल 200 में हाफ करेंगे, पर करना कुछ नहीं। सत्ता में आएंगे
फिर कहेंगे पैसा ही नहीं हमारे पास, तो पैसे नहीं हम क्या करेंगे। आवास लाखों आवास हमने लौटा दिए, उस समय कई योजनाएं जो थी वो बंद कर दी गई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिससे त्राही त्राही हो गई 15 महीने में जनता। आखिरकार सरकार क्यों गिर गई? तो बुंदेलखंड से चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। आपने मुद्दों की बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। अभी हमारी बड़ी बहन भी कह रही थी कि राहुल गांधी क्या है। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, आप तो बहुत कुछ थी। अभी 23 मेरे पास एक पत्र है अभी 2023 का ललिता जी का, जिसमें 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आपने दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, आप तो सत्ता में हैं, केंद्र में और प्रदेश में हैं, आपने उन मांगों को कितना पूरा करा लिया? दूसरी बात, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, काठन परियोजना 400 करोड़ की लागत से तय हुई, उस परियोजना का टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ, वो कहाँ तक धरातल पर पहुंची? आप केंद्र से प्रदेश में हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए बड़ा मलेरा में बहुप्रतीक्षित रेलवे उसकी बात चल रही है, वो कितना कारगर सिद्ध हुआ? रेलवे टिकट काउंटर की बात चल रही है, वो कितना कारगर सिद्ध हुआ? ये मुद्दों की बात है। अगर आप सत्ता में हैं केंद्र से लेकर प्रदेश तक, बड़ा मलेरा में शासकीय गर्ल्स स्कूल है जिसको शिफ्ट करना था छात्राओं की परेशानी को देखते हुए, वो अभी तक क्यों शिफ्ट नहीं हुआ? महिलाओं के मुद्दों की बात है, अरे यहाँ नारी शक्ति विराजमान है, मध्य प्रदेश को कलंकित कर देने वाली घटना सागर में घटती है, एक महिला के प्राइवेट पार्ट में मिर्च भर दी जाती है, कहाँ है मामा की वो लाडली बहन, कहाँ है मामा की वो लाडली बेटी भांजी, और कहां है बुलडोजर जो अपराधियों तक अभी तक नहीं चढ़ा? मैं प्रद्युमन जी, जो जिस तरह का कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि भले वो नारी सुरक्षा की बात की जाए या बुंदेलखंड के परंपरागत मुद्दों की बात की जाए, विकास के पिछड़ेपन की बात की जाए, उस पर उतना काम हुआ नहीं, और उस मूल मुद्दों को आप भुलाकर बाकी मुद्दों पर चुनाव में जाने वाले हैं, और यहीं से जो हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासत हो रही है, तो प्राथमिकता में आपके मूल मुद्दे नहीं है, वो लगातार कांग्रेस ऐसा कह रही है। लोग हवा में उड़ जाए, हिंदू राष्ट्र ऐसा कि उद्घाटन के लिए, ठीक है मैं जवाब ले रहा हूँ, दीप्ति जी जवाब ले रहा हूँ। मूल बात यही है, ये जो बात करते हैं, ये चिल्ला के करते हैं, और इनकी बातों में कहीं कोई दम नहीं रहता। हम मुद्दे की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना 44,000 करोड़ रुपये अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, अगले महीने वो यहाँ पर भूमि पूजन करने आ रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से हमारा पूरा बुंदेलखंड सिंचित होगा। 2003 के पहले सिंचाई की जो परियोजनाएं थीं 7 लाख हेक्टेयर में थी, आज की स्थिति में 44 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं, और 24 तक हम 64,000 हेक्टेयर में सिंचाई करके बताएंगे लोगों का, किसानों के जीवन बदलने का काम हो रहा है। हमने आय दुगना करने का वादा किया था, हम वो पूरा कर रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं कि कहाँ, अब इनको सच्चाई नहीं दिखती। किसान के घर में यदि गाड़ी 4-व्हीलर खड़ी है तो इनको वो नहीं दिखेगा, किसान के घर में 2-व्हीलर खड़ी है इनको वो नहीं दिखेगा। इन्होंने किसान का कर्जा माफ किया, वो कर्जा हमारे वचन पत्र में नहीं था, भाजपा के वचन पत्र में नहीं था कि हम कर्जा माफ करेंगे। किसानों को कर्जा माफ करने का वादा इनने किया था, पर उनका पाप हम ढो रहे हैं। 2 लाख का कर्जा इनने माफ नहीं किया, वो ब्याज हमने अभी भरा, पूरा का पूरा प्रदेश का किसान मारा मारा घूमता रहा, ना उसको बीज मिलता ना खाद मिलता, यहाँ वहाँ डबल लॉक में जाना पड़ता। अभी हमने किसान का कर्जा माफ किया है, हाल साल किया है, अभी हमने किसान के गोडाउन भर दिए हैं खाद में, तो सभी लोग किसान जाके खाद ले रहे हैं। खरीफ की भी अभी अच्छी बोनी होगी, और आने वाले समय में रबी की भी अच्छी बोनी होगी। ये काम हम कर रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं रहता, आप घोषणा कर देते, आपके पास कुछ है नहीं, आप घोषणा करते। दीप्ति जी पिछला चुनाव नतीजा अगर देखें तो यहाँ पर दिखता नहीं, हम झूठ बोलते हैं। ये सारे पेपर है, बड़ा मलेरा में सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन होता है, तब जाके बड़ा मलेरा के लोगों को ये पता चलता है कि बड़ा मलेरा अस्पताल में महिला डॉक्टर भी है। ये मैं नहीं, ये अखबार बोल रहा है। बांध सुजारा का कितना धरातल पे है, ये आपका अखबार बोल रहा है। आप उम्मीदों पे खरा नहीं उतारा बांध सुजारा, ये आपका अखबार बोल रहा है। माननीय दीदी ललिता यादव जी का 13 सूत्रीय मांगों का ये पत्र बोल रहा है। बांध सुजारा लिंक परियोजना, अरे बांध सुजारा जो हमारी नल जल योजना है, 75% पानी सिर्फ बड़ा मलेरा की धरती पर, घर घर नलों घर घर जल आप जाके देख सकते हैं पूरे में। आप सिर्फ बड़ा मलेरा में आज भी, चाहे बड़ा मलेरा हो चाहे बक्सवाहा हो, वहाँ पर घर घर नल घर घर जल हम पानी दे रहे हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आने वाले समय में छतरपुर की बात करें, यही आपकी छतरपुर जिले की धरती, बुंदेलखंड की धरती, हीरे भी उगलने वाली है,
प्राकृतिक तौर पर तमाम संपन्नता है, लेकिन फिर भी ये विकास के नक्शे पर पिछड़ापन क्यों है? हम रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम रेलवे कनेक्टिविटी की बात करते हैं। यदि यहाँ पर रेल लेके आए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ रेल लेकर आई, और यदि हमने अभी डबल रैक बनवाने का बात किया है तो हम डबल रैक भी बनवा रहे हैं, एक छतरपुर और एक खजुराहो, जिससे हमारा खाद और बीज का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। खरगापुर से बड़ा मलहरा होते हुए एक अभी हमने अभी माननीय रेल मंत्री ने आदेश दिया है, जिससे अभी उसका परीक्षण चल रहा है, बहुत जल्दी उसका काम पूरा होगा और खरगापुर से बड़ा मलहरा होते हुए सागर के लिए रेल परियोजना चालू की जाएगी, ऐसा अभी पत्र भी आ गया, उसका काम भी चालू हो गया है। 120 गांव में पानी हीरा हीरा खनन की बात जहां तक है, हीरा खनन के लिए हमने पूरी 64,000 करोड़ का टेंडर भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, परंतु कांग्रेस के मित्रों ने एक फर्जी कोई एक बड़ा ट्रेंड चलाया कि पेड़ कट जाएंगे, आज भी वो परियोजना रुकी हुई है। यदि आज वो परियोजना कुछ शेष रह गई हैं, अगर वो स्वीकृतियां शेष रह गई, अगर वो स्वीकृतियां मिल जाएं, तो आज वो वंडर डायमंड जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एशिया का सबसे अच्छा का हीरा कहीं मिलता है। दीप्ति जी प्रद्युम्न जी कह रहे हैं कि आप लोगों की ओर से ट्रेंड चला गया, बक्सवाहा में जो हीरा खनन की परियोजना है, उनका कहना है कि इतने लाखों पेड़ नहीं कटने वाले हैं, जिसका एक तरह से आपने ये बात फैलाई और विकास को अवरुद्ध करने का आरोप लगा रहे हैं आप। आपको शायद पता नहीं, आपने ही मंच से ऐसी तमाम घोषणाएं की थी। दुर्भाग्य से मैं उस मंच का हिस्सा हुआ करती थी जब जयवर्धन सिंह जी समेत कई दिग्गज नेता बड़ा मलहरा के विकास के लिए योजनाएं देते थे। शायद आपको भूल गया होगा, मैं बहुत धीमे से अब बात करूंगी। दूसरी बात, जहां काठन परियोजना की बात आ रही है, 120 गांव में जाना था, कई गांव ऐसे हैं जहां आधे में पानी है और आधे में नहीं है, 181 पे भी शिकायतें हो चुकी हैं। दूसरी बात, आप बात करते हैं लाडली बहन की, अभी बात हो रही थी महिलाओं के सम्मान की, आप मुझे एक बात बताइए, आप राजस्थान में देखिए, कर्नाटक में देखिए, हिमाचल में देखिए, जहां हमने जो किया सो कहा सो किया, लेकिन आप अपने लाडले जीजा को बेरोजगार बनाते हैं, नशे की आदत डालते हैं, दारू बालू का उत्खनन करते हैं और लाडली बहन को छलावा देते हैं 1,000 रुपए की। अगर लाडले जीजा को रोजगार दिया होता तो बहनों को छलावा ना देना पड़ता। प्रथम जी, मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ पॉलिटिकल बात भी की जाए कि आपके बुंदेलखंड में, पड़ोस में, महाकौशल में प्रियंका गांधी जी आ रही है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, महिलाओं को टारगेट करते हुए पिंक वचन पत्र भी आना है और दावा है कांग्रेस का कि उनका असर ऐसा होगा कि 150 सीटें लेकर आएंगे, और यहाँ बुंदेलखंड की तस्वीर जो है पिछले बार के मुकाबले पलटने वाली है। ये तो ये लगातार वादे करते रहेंगे, वचन पत्र देते रहेंगे, हम अभी लाडली बहना लेकर आए, ये नारी सम्मान योजना लेके आ गई, क्या पहले इनको नारी सम्मान की बात पहले नजर नहीं आई? या पहले घोषणा पत्र में डाल सकते थे? ये नकलची टाइप काम करते हैं, इन्होंने हमारी विवाह निकाह योजना भी नकल करी, 25 की जगह कह दिए हम 51,000 देंगे, वो आज तक नहीं दिए बेचारी बेटियों के, यहाँ बच्चे लल्ला हो गए, अभी तक इन्हें एक नया थैला पैसा नहीं दिया, अब इसके लिए भी कह रहे हैं, अब सूतना कपास जुलाहों में लट्ठा लट्ठी, सरकार तुम्हारी है नहीं 1,500 रुपया देंगे, सरकार तुम्हारी है नहीं तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। यदि सरकार तुम्हारी छत्तीसगढ़ में है वहाँ बनवाओ भैया योजना, वहाँ तो लागू करवा दो, आपकी राजस्थान में है वहाँ लागू करवाओ, अब वहाँ तो कुछ करवा नहीं पा रहे, लेकिन चुनाव का समय है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, बात करते ये देंगे वो देंगे, ये तो हमेशा देते रहेंगे परंतु देने के भरोसे में। हिमाचल और कांग्रेस के राज्यों में ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम की भी बात की जाए, वो उसको लागू करने की बात कही, इनका कह रहे हैं कि कह रही है कांग्रेस की, भले हिमाचल हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, ने जो कहा है वो किया है और यहाँ पर भी करेंगे, तो ये इनका चुनावी वादों पर भारी पड़ेगा, ये इनको कुछ नहीं करना है, भी जलानी है, मातम भी मनाना है, छल कपट से भी और छलेंगे भी, जैसे छल कपट से राजनीति करके सत्ता कैसे हथियाना, ये उनका काम है, हमको जमीन पे काम कैसे करके सत्ता में आना ये हमारा काम है, हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, यदि हमने कहा जो हमने कहा वो हमने किया। बुंदेलखंड की धरती से 26 किया होता तो विधायक खरीदने ना पड़ते। 2018 में तो ये मान रहे थे कि कांग्रेस की लहर है, या जिस तरह से जनादेश के नजदीक आप लोग पहुंच गए थे, सरकार बनाई थी
बुंदेलखंड में ऐसा क्या हो गया था, आप 7 सीट पर आकर अटक गए थे और इस बार कैसे मानते हैं कि 150 सीटें आएंगी बुंदेलखंड में? संक्षेप में जवाब चाहूंगा मैं। अगर धरातल पे काम किया होता तो विधायक खरीदने ना होते, इतना जोर शोर न लगाना होता। दूसरी बात, यहाँ सब सम्माननीय जन बैठे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, आप सब ऐसे बात करते हैं जैसे 2014 के पहले न सड़क थी, न बिजली थी, न विकास था। सब मोदी जी अपने घर से लेके आए, सड़क डाल दी, लाइट के तार बिछा दिए, यूनिवर्सिटियों का स्थापना कर दिया। अरे क्यों भूल रहे हैं कांग्रेस के इतिहास को जिसने आपको आजादी दिलाई? क्यों भूल रहे हैं उस कांग्रेस के इतिहास को? बुंदेलखंड से बढ़त कैसे मिलेगी? 26 सीटों में सिर्फ 7 सीटों पर आपने हासिल की थी 2018 में, जबकि लहर की स्थिति थी, अब कैसे बदलाव? हम मुद्दों पे बात करते हैं, 150 सीटें कैसे आएंगी? बुंदेलखंड हो या पूरा प्रदेश हो, दल बदल से थका हुआ है, भूख भय भ्रष्टाचार और तानाशाही से थका हुआ है, वही निराश जनता, बेरोजगार जनता। तो कांग्रेस हमें फिर लगातार ये कहती है कि बुंदेलखंड की जो परंपरागत तस्वीर थी वो नहीं बदली है, और बीजेपी ऐसा कह रही है कि लगातार बड़ी परियोजनाओं के जरिए बुंदेलखंड की जनता को सामाजिक न्याय देने के प्रयास जारी है, और अपने अपने नारों के साथ, दावों के साथ चुनाव मैदान में है। अंजाम जल्द ही चुनाव परिणाम बता देगा, लेकिन फिलहाल बुंदेलखंड जनसंवाद के इस मंच से हमने सियासतदानों के मुद्दों को जो कि जनता के बीच रखे जाने हैं उन्हें समझने की कोशिश की है। फिलहाल इस सत्र में हमारे दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही अगले सत्र में हमारे नए मेहमानों से मुखातिब होंगे हमारे साथी। फिलहाल इस सत्र के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।